शादनगर में ऐलान किया था 2014 चुनाव के टाइम, वो वक्त में 4 महीने में 4% से लेकर 12% माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों को रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान कर रहा हूँ। कैसे और बात बोले तो बात, नहीं तो नाक काट ले तुम, बोल के बोले फिर नाक और थोड़ा बड़ा हो गए, आपको तो रिजर्वेशन मिले ही नहीं। मगर मेरा बड़े भाई असद भाई तो उनके ही गले पे गले गले मिला रहे। हम लोग तो कोशिश कर रहे जो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, आज मुसलमान के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर लायर पढ़े बोले तो नौकरी मिल रहा बोले तो कांग्रेस की वजह से मिले। मगर आप इनके बातों पे जाके वोट इधर से उधर डाल रहे, वो एक छोटा तकलीफ है। जब हम लोग कुछ लड़ना बोले तो लकड़ी अपने हाथ में रहना, तो लकड़ी दूसरे को दे रहे, दुश्मन को दे रहे, हमको मारो बोल रहे, वहां तकलीफ आ रहा। तो इसीलिए हम लोग 6 साल के बाद आज ऐलान कर रहे हैं, हम लोग जागो तेलंगाना वाले। केसीआर कैसे चला रहे सरकार को, केसीआर सरकार चलाने का वजह क्या है, किसको फायदा हो रहा, किसके लिए उन्हें काम कर रहा, सोचना। सोच के सब तेलंगाना वाले मिल के केसीआर को दफन कर देना। अरे हम लोग एजिटेशन कर रहे भाई, आप लोग बाहर निकलना ना। आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं। हमारा गिनती एक ही है मुसलमान भाई उनसे, आप सोचो ट्रिपल तलाक में उन्होंने किसको मदद दी है। यहाँ आप समझ रहे कार बोल के, यहाँ आप दबा रहे वो दिल्ली जाके कमल बन जा रहे। तो 370 में उन्होंने उनको मदद दी है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिए, हर एक मामला में उन्होंने मोदी के हाथ चल रहा है, मोदी के साथ चल रहा है। मगर आप लोग यहाँ पर उसके खिलाफ हम लोग कदम उठाए तो आप ही कदम के कदम हमारे साथ कदम उठाओ, कैसा केसीआर नहीं देता देखेंगे।